चरण सरोज रज निज मन मुगल सुधार वरण रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार बोधेन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल मुझ विद्या दे मोहि हर कलेश विकार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय मेरे मन बस जाओ सीतारा के सब मन बस जाओ सीतारा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सती लोक राम दूत अतुलित बल धाम अंजन बोध पवन सुख नाम महावीर विक्रम बजरंगी भूमति निवार सुमति के संगी अंजन वरन विराज सुबेदा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ उच्च और भुजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग विद्यावान गुणीयति छात्र राम काज करिबे को आज प्रभु चरण सुनिबे को रसिया नाम दशन सीता मन सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखाव विकट रूप धरि लंक जराव भीम रूप धरि असुर सहार रामचंद्र के काज सवार लाए सजीवन लगन जियाए वीर कुमीर हर सिर लाए रघुपति की नहीं बहु बढ़ाए तुम मम प्रिय भरत समाए सहस बदन घुमर जस गावे अस कहि श्री पद कंठ लगावे सनादि ब्रह्मान मुनीसा नारद भारत सहित करीसा जम कुबेर दिगपाल जहावे कवि गोविंद कहि सके महान तुम अवतार सुग्रीव वही थी राम मिलाए राज पद तुम रो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान जोग सहस्र जो जन पर मान लीलो भारी मधुर बल जान प्रभु मोदिका मेल मुख माय नर दिनांग गए अचरज नाय गुणगन काज जगत के देते सुगम हनूर है तुम रे देते काज वाए तुम रखवा हो जन आज्ञा सब सुख रहे तुम्हारी करना तुम सजता हो तो डरना आपन देश समारोह दीन लोग नाच देगा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाथे लोग हरे सब वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन जन वचन जान जोला सब पर राम सब वीरान इनके बाज सकल गुण साजा सोई अमित जीवन फल पाव चारों युग पर ताप तुम्हार है भर सिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवार असुर निकंदन राम दुलार अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असुर
जाओ सीता लाल दे हलाली लसे अर घर लाल लगो वाजे दानव दलन जय 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 कवि सो। आज धर्म जागरण समन्वय विभाग और श्री राम सेना एवं समूह राम भगता वालों पंजावा सप्ताह श्री हनुमान चालीसा जी का श्री रामलीला मंच जोड़िया पट्टिया के बड़ी धूमधाम मनाया जा रहा है। पिछले 49 हफ्तों तो अलग अलग मंदिरों या अलग अलग स्थानों पर जाके श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ किया जा रहा है। अज तुसी देख ही रहे हो एक जड़ा कहते हैं ना नतीजा आंदा अज पंजावें सप्ताह तुसी देखो राम भगता का हड़ जोड़िया पट्टिया चौंक के हूम आ के पहुंचे है। असी अपने वालों तो साड़ी जी सारी राम भगता की टीम है उन्होंने वालों बेनती करते हैं कि हनुमान चालीसा जी का पाठ हर मंगल पहले तो रोज़ कराया कर पर हर मंगलवार अपने घर जरूर कराया कर। पटियाला दे विच नौजवानों वालों 50 हफ्ते पहले अलग अलग मंदिरों के जाके हनुमान चालीसा जी का पाठ शुरू कराया गया सी। आज जोड़िया भट्ठिया चौंक के धर्म जागरण मंच वालों समूह राम भगता वालों 50वां सप्ताह जिहड़ा है पूरे जोड़िया भट्ठिया चौंक च मनाया गया है। इसी तरह इसी लड़ी के तहत अगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि समय की हर बंदे को घाट होने करके 6 बजे तो लेके 6:15 बजे तक 15 मिनट का सामूहिक हवन इहदा जिहड़ा हनुमान चालीसा जी का पाठ जिहड़ा है शुरू कराया गया सी और ये इदा ही चलता रहेगा। हाँ जी, आपका नाम? विजयपाल, प्रांत संगठन मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। आज की ये जो हनुमान चालीसा है ये धर्म जागरण विभाग और श्री राम सेना इसकी ओर से आज ये 50वां हनुमान चालीसा का आयोजन है। इस आयोजन का मूल हेतु है धर्म का जागरण। इस समय पंजाब की जैसी परिस्थितियां हैं, धर्मांतरण है, नशा है, लव जिहाद है, परिवार टूट रहे हैं, तो इस सारे में भगवान की ये जो आराधना है हनुमान चालीसा ये है हमारे परिवारों को एक करने का काम करेगी और नई पीढ़ी में भगवान के प्रति जो श्रद्धा निर्माण है और हम सब देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके मंदिरों में संख्या कम पहुंच रही है, तो ईश्वर की ऐसी योजना है कि आज मंगलवार है और कल भारतीय नववर्ष की शुरुआत हो रही है, तो ये एक बड़ा बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि भारतवर्ष के आज जो है करोड़ों मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है और सारी समाज की एक सकारात्मक ऊर्जा से कल का दिन जो शुरुआत होने वाला है वो भारत के भाग्य का निर्धारण करेगा और तमाम ज्योतिषियों ने एक भविष्यवाणी भी की है कि 21वीं सदी भारत की है और उसके संकेत आज से प्रारंभ हो चुके हैं और आने वाली सदी भारत की है, हम सब ये देख रहे हैं। बात कर लें सनातन धर्म की, एजुकेशन है जो वो बहुत कम जगहों पर है, जैसे मंत्र उच्चारण की है या जो ग्रंथ हैं उनके बारे में नॉलेज कम दी जाती है, स्कूलों में तो खत्म हो चुकी है लेकिन जो गुरुकुल होते थे वो भी खत्म हो गए हैं, इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो रहा? हाँ, विश्व हिंदू परिषद और धर्म जागरण समन्वय विभाग इस वर्ष से पूरे देश भर में पुजारियों के सम्मेलन कर रही है, पुजारियों के प्रशिक्षण वर्ग ले रहे हैं इस बार से और विशेष रूप से मंदिर भारत के जागरण और शक्ति का केंद्र बने इसके लिए विशेष प्रयास होंगे और आप आने वाले 3-4 महीनों में पूरे भारतवर्ष में ही देखेंगे कि एक बहुत बड़ा प्रचंड जन जागरण होगा और ये जो सदी है भारत की सदी है, हिंदुओं की सदी है, थोड़ा हिंदू शब्द को लेके इस समय भारतवर्ष में अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं, कुल मिला के हिंदू एक जीवन पद्धति है क्योंकि भारत ने दुनिया को जीना सिखाया है और आज हम अंग्रेज़ों का जो है 2023वां वर्ष जो है मना रहे हैं लेकिन वास्तव में भारतीय नववर्ष कल से शुरू होगा और 2080वां वर्ष यानी दुनिया में अगर किसी संस्कृति ने पहली सांस ली तो वो भारतीय संस्कृति है। संक्षेप में इतना कहा जाए कि हमारे यहाँ सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है, जो वेद में है वो भारत में है और जो वेद में है वो संसार में है, जो संसार में है वो वेद में है, जो वेद में नहीं वो संसार में नहीं। इसलिए एक लाइन और भी कही जा सकती है, जब से सत्य है तब से सनातन है और जब से सनातन है तब से सत्य है और भारत की संस्कृति पे कितने भी आघात आए इस संस्कृति को कोई तोड़ नहीं सकता। इससे पहले
बहुत आक्रमण हुए और आज हम सबके सामने एक प्रचंड रूप में खड़ी है। दुनिया आज भारत की जय जयकार कर रही है, दुनिया में चर्च बंद होने लग रहे हैं और मंदिर बनने लग रहे हैं। इस समय आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। थैंक यू।